तो लास्ट सेशन में हमने देखा था अनटेंडेड प्लैनेट्स के बारे में। अभी हम देखते हैं कि रूल्स क्या है ना, क्या रूल्स हो तो वो अनटेंडेड प्लैनेट बनता है। तो सबसे पहले अगर कोई प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड अगर ना बना हो तो वो प्लैनेट अनटेनेंटेड कहलाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई प्लेनेट खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड बना हो तो भी उसको हम अनटेनेंटेड प्लेनेट बोलेंगे। और तीसरा रूल ये बोलता है कि जब कोई दो प्लेनेट एक दूसरे के नक्षत्र लॉर्ड बने हो तो वो दोनों प्लेनेट्स जो है वो अनटेनेंटेड कहलाएंगे। ठीक है, अभी हम केपी स्टेलर ऐप यूज़ करते हैं उसमें, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में जिस भी प्लेनेट के आगे ऐसा स्टार लिखा हो ना, एस्ट्रिक और हैश, तो समझ लेना कि वो प्लेनेट अनटेनेंटेड प्लेनेट है। ठीक है, सबसे पहला वाला रूल हम देखते हैं कि पहला रूल क्या था हमारा अनटेनेंटेड प्लेनेट का, कि वो किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड ना बना हो। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सन है। ठीक है, सन जो है ये अभी ये है, ये साइन लॉर्ड है और ये स्टार लॉर्ड है। स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अगर आप इस कॉलम में चेक करोगे तो कहीं पे भी आपको सन नहीं दिखाई देगा। दिख रहा है क्या सन आपको? नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, दिख तो रहा। सन जो है वो किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है, तो सन जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट कहलाएगा। इसीलिए उसके सामने क्या है, स्टार लिखा हुआ है। सेम गोज फॉर मून। अगर आप चेक करोगे स्टार लॉर्ड कॉलम में, मून किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है। ठीक है, हम वीनस तक ही चेक करेंगे, ये वीनस तक, इसके आगे ये जो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो इसके लिए नहीं। तो मून जो है वो कोई भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है तो वो भी अनटेनेंटेड प्लेनेट कहलाएगा। सेम गोज फॉर वीनस। अब आप चेक करो कि वीनस कहीं दिख रहा है क्या? किसी भी प्लेनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस नहीं बना है तो वो भी अनटेनेंटेड प्लेनेट कहना है। अभी ये क्या करेंगे ना, ये खुद अनटेनेंटेड प्लेनेट है इसलिए खुद के ही रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि अभी वो कोई और प्लेनेट तो रिजल्ट नहीं दे रहा है उनके, तो इनके रिजल्ट कब मिलेंगे? तो इनके रिजल्ट जो ये प्लेनेट खुद ही देंगे। ये पहला रूल सबको समझ में आया? आना, ये और भी कोई कंफ्यूजन है? ये तो में जान ये राहु और केतु ये भी अनटेनेंट प्लेनेट बनते हैं क्या? यस यस ये भी अनटेंटेड प्लेनेट। अभी हम जाते हैं दूसरे रूल की तरफ। पूरा रूल क्या बोलते हैं हमको कि प्लेनेट खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड बनाओ, है ना? प्लेनेट जो है अगर खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड बना हो तो वो भी अनटेनेंटेड प्लेनेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे चेक करो, ये मरकरी है। मरकरी जो है वो खुद के ही नक्षत्र में बैठा है, खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड बना है। ठीक है, तो जब कोई प्लेनेट खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड जब बनता है तो उस प्लेनेट को हम कौन सा प्लेनेट बोलेंगे? अनटेनेंटेड प्लेनेट। यह है हमारा दूसरा रूल। अभी तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई दो प्लैनेट एक दूसरे के ही नक्षत्र लॉर्ड बने हो तो वो दोनों भी प्लैनेट्स अनटेनेंटेड प्लैनेट्स कहलाएंगे। अभी इस केस में अगर आप चेक करोगे तो मून जो है वीनस का नक्षत्र लॉर्ड बना है और वीनस जो है वो मून का नक्षत्र लॉर्ड बना है ना? दोनों एक दूसरे के नक्षत्र लॉर्ड बने हैं, तो इस वजह से क्या हुआ है कि मून और वीनस ये दोनों जो प्लेनेट है ये नक्षत्र लॉर्ड इसको हम बोलेंगे। ठीक है, सबको क्लियर ही है?
ये तीन रूल्स है जो अनटेनेंटेड प्लैनेट्स बनाते हैं। अब जनरली हम क्या देखते हैं कि केपी की स्क्रिप्ट में हमको पता है कि प्लैनेट जो है वो सोर्स बनता है, उसके बाद में नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देता है, और सब लॉर्ड जो है वो टेस्ट यानी परिणाम की गुणवत्ता वो हमको शो करता है ना। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मरकरी क्या दे रहा है 237, मून दे रहा है 135 और जुपिटर 259। ठीक है, अभी इस केस में क्या शादी होगी मरकरी की दशा में? जयश्री जी नहीं होगी। राइट, क्यों? क्योंकि रिजल्ट में सेवन नंबर जो है वो आ ही नहीं रहा है। सेवन नंबर हमारा प्राइम नंबर है, मेन नंबर है शादी का, वो रिजल्ट में दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि शादी नहीं होगी। रिजल्ट किन किन हाउसेस के मिलेंगे मरकरी की दशा में? 1, 3 और 5। ये हमारी अभी बेसिक स्क्रिप्ट थी सर। अगर मून में हो और जुपिटर में, फिर नीचे एस में नहीं हो सेवन तब? सर हाँ, 1, 3, 5, 7 है समझ लो, यहाँ नीचे 2, 5, 9, 7 नहीं है, 7 नीचे नहीं अगर आता है तब सर टेस्ट वाले में शादी होगी, क्योंकि तो उस केस में न्यूट्रल हो रहा है ना सब लॉर्ड, ना ही नेगेटिव कर रहा है ना ही सपोर्ट कर रहा है, तो भी शादी हो जाएगी। अच्छा, अभी ये थी हमारी बेसिक्स। अब अनटेनेंटेड प्लैनेट के केस में क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मरकरी जो है, मरकरी बना है अनटेनेंटेड प्लैनेट, चेक करोगे अभी इस केस में, अगर आपको कोई पूछे क्या शादी होगी, तो हम कहेंगे कि नहीं होगी। ठीक है, पर अगर मरकरी अगर अनटेनेंटेड प्लैनेट हो तो वो क्या करेगा, खुद के भी रिजल्ट्स देगा। खुद के भी रिजल्ट्स देगा मतलब क्या है, मरकरी की दशा में 1, 3, 5 के रिजल्ट्स तो मिलेगी ही मिलेंगे, साथ में उसी ताकत से 2, 7 और 10 इसके भी रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। इस केस में शादी होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि 7 के भी रिजल्ट मरकरी की दशा में हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का पावर है, वो मून के जितना ही पावरफुली रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम। अभी रूल दूसरा क्या कहता है हमारा, कि अगर कोई प्लैनेट अनटेनेंटेड है और वो सब लॉर्ड लेवल पर है, सब लॉर्ड लेवल पर मतलब इस लेवल पर, ठीक है, और वो जिन घरों का हाउस लॉर्ड बना है, ठीक है, वो अगर घर केपी चार्ट में खाली है, वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा हो, तो वो भी इंडिपेंडेंट हाउस कहलाएगा और उसके भी रिजल्ट्स पावरफुली हमको मिलेंगे। ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। ठीक है, अभी यहाँ पे जुपिटर जो है वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, ठीक है, और सेवेंथ हाउस जो है वो खाली है, वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो सन की दशा में सेवेंथ हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, 1, 3, 5 प्लस 7, तो इस केस में भी शादी हो जाएगी। अभी जुपिटर थर्ड और सेवंथ दोनों का लॉर्ड है, पर थर्ड हाउस में प्लैनेट बैठा है, ठीक है, पर सेवेंथ हाउस जो है वो खाली है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हाउस हो गया है, इंडिपेंडेंट हाउस हो गया इसलिए वो रिजल्ट भी देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसमें ये सब लॉर्ड लेवल पे इंडिपेंडेंट हाउस का है,
तो वो सोर्स लेवल पर अनटेनेंटेड प्लैनेट बनता है और वहां पे भी इंडिपेंडेंट जैसे 2710 है उसमें 7 इंडिपेंडेंट हाउस है तो वो भी सेम इंडिपेंडेंट हाउस कहलाएगा जैसे सब लेवल पे हो रहा है वो भी हम इंडिपेंडेंट हाउस ही बोलेंगे और वो सबसे ज्यादा पावरफुली ऑपरेट करेगा, इतना पावरफुली कि वो मतलब नेगेट भी नहीं होगा भले नीचे कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट अनटेनेंटेड हो और वो जिस भी हाउस का लॉर्ड बना हो, ठीक है, वो घर अगर खाली हो, वैकेंट हो, तो वो हाउस को हम क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट हाउस, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस होगा स्क्रिप्ट में। यहां तक क्लियर है हेतल जी? यस नो आशीष, आपका क्वेश्चन क्या था वो मैं नहीं समझ पाऊंगी। वो एक्चुअली सब लॉर्ड लेवल पे था ना भाई, इससे पहले आया था कि सब लॉर्ड लेवल पे अगर कोई अनटेनेंटेड प्लेनेट है तो वो उसमें इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा अगर वो कोई उसमें कोई प्लेनेट नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि सेम प्लेनेट लेवल पे भी करेगा क्या वैसे? ओके ओके, यहाँ तक क्लियर क्लियर है, ओके। बम बढ़ते आगे, ठीक है। बी हाउ टू रूट नेटल कस्प टेबल। अभी आप ऐप खोलोगे ना केपी स्टेलर, तो आपको एक ये चार्ट मिलेगा, कौन सा? ये नेटल कस्प वाला, ठीक है। अभी इसको पढ़ना कैसे वो हम एक बार देख लेते हैं। अभी यहां पे जो है ना, ये हाउसेस है, कस्प यानी क्या है, कस्प को ही हाउस बोलते हैं, ठीक है। ये एसजीएन मतलब क्या है, साइन। फर्स्ट हाउस में कौन सी साइन है आप चेक करोगे तो कौन सी है? टॉरस है, ठीक है। सेकंड हाउस में कौन सी साइन है, देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है, जेमिनी। थर्ड हाउस में कैंसर साइन है, तो यहाँ पे जो है ये साइन वाला ये राशि दिखा रहा है कि कौन से हाउस में कौन सी राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, साइन लॉर्ड, साइन लॉर्ड कह लो या फिर हाउस लॉर्ड कह लो, एक ही बात है। अभी फर्स्ट हाउस का एसेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन सा है? वीनस, यहाँ पे लिखा है वीनस, ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन सा है? मरकरी, यहाँ पे भी मरकरी दिख रहा है हमको। थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन सा है? मून, यहाँ पे मून दिख रहा है। फोर्थ का भी मून बना है यहाँ पे, ठीक है। मून जो है वो दो दो हाउसेस को रूल कर रहा है यहाँ पे, तो फोर्थ हाउस का जो हाउस लॉर्ड है वो कौन सा है? मून है। अब ये कॉलम हो गया। अभी अगला जो कॉलम है एसटीएल, इसको बोलते हैं स्टार लॉर्ड, ठीक है। स्टार लॉर्ड यानी क्या है हिंदी में? नक्षत्र लॉर्ड, एनएल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस का एनएल कौन बना है? सन। सेकेंड हाउस का एनएल कौन बना है? मार्स। सबको दिख रहा है थोड़ा सा, अगर मोबाइल पर हो तो जूम भी कर सकते हो। थर्ड हाउस का स्टार लॉर्ड कौन है? जयश्री जी, जुपिटर। फोर्थ लॉर्ड का कौन, फोर्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मरकरी। फिफ्थ का है सन, सिक्स्थ का है मार्स, ठीक है। ये जो एसटीएल है इसका मतलब क्या है, नक्षत्र लॉर्ड का कॉलम है। उसके आगे ये जो एससीयूबी लिखा है ये होता है सब लॉर्ड, यानी कस्पल सब लॉर्ड, इसको बोलते हैं हम कस्पल सब लॉर्ड, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं उप नक्षत्र स्वामी। अभी अगर कोई पूछे कि फर्स्ट हाउस का सीएसएल कौन सा प्लैनेट है, यानी कस्पल सब लॉर्ड कौन है, तो आप क्या बोलोगे? वीनस। सेकंड हाउस का सीएसएल कौन बना है यहाँ पे?
थर्ड हाउस का भी सीएसएल कौन बना है यहाँ पे, मून बना है। फोर्थ हाउस का सीएसएल यहाँ पे कौन बना है, जुपिटर मून बना है। फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है, मार्स। ठीक है, तो ये वाला जो है ये इसको सीएसएल बोलते हैं, कस्पल सब लॉर्ड। ये वाला जो कॉलम है ये नक्षत्र लॉर्ड वाला, और ये जो है ये साइन लॉर्ड। आप यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस ओके। अब बनाएंगे हम एक स्क्रिप्ट, नई स्क्रिप्ट बनाएंगे इसको। अभी मान लो यहाँ पे वीनस दे रहा है 3, 5 और 8, जुपिटर यहाँ पे दे रहा है 1, 9 और 10, सैटर्न जो है सैटर्न यहाँ पे दे रहा है 3, 4 और 5। अब कौन बोलेगा इस केस में शादी होगी या नहीं होगी? क्या वीनस की दशा में शादी होगी? नहीं होगी। यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अगर सेवेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बन जाए तो 7 और 11 की भी रिजल्ट मिलेंगे। मतलब अगर जुपिटर सेवेंथ और इलेवेंथ हाउस का सीएसएल अगर बन जाता है तो यहाँ पे दो और हाउसेस कौन से ऐड हो जाएंगे? सात और ग्यारह। आप क्या लगता है आपको शादी होगी? अब तो करवानी पड़ेगी ना, हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हिडन हाउसेस, जो ऊपर स्क्रिप्ट में तो आपको नहीं दिखते पर ये पावरफुली काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अच्छा, ये कस्पल सब लॉर्ड की जगह पे आ जाए तो ये रिजल्ट देगा, देंगे ही देंगे, ऐसा है ना मतलब? हाँ, क्योंकि वो एनएल बना है ना यहाँ पे। हाँ, एनएल बना है, तो हमको पता है कि जो नक्षत्र लॉर्ड है वो रिजल्ट देता है। और जुपिटर अगर सेवेंथ और इलेवेंथ का अगर सीएसएल बन रहा है तो वीनस की दशा में इनके भी रिजल्ट्स मिलेंगे, 7 और 11 के, बहुत ही स्ट्रॉन्गली बने। तो ये मतलब हमें एनएल, मतलब हमें एनएल एनएल का वो भी देखना है कि वो किसका सीएसएल बना हुआ है। यस यस, तो ये जो हिडन हाउसेस जो है ये गेम चेंजर है पूरी तरह से, और ये जो सीक्रेट है बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर्स को पता है, बहुत कम लोग ये यूज करते हैं। जनरली हमने जो पहले देखा था इतना यहाँ तक ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अभी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने देखा वीनस की दशा है, वो क्या बोलेगा? शादी नहीं होगी। पर अगर वो आपके पास आ जाए तो आप क्या बोलोगे? शादी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज जो है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हमको दिख रहा है दोनों भी प्रेडिक्शंस। इसी को कहते हैं हिडन हाउसेस, जो छुपकर काम करते हैं। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना कि ये भी देखना पड़ेगा, ये आपको पूरा रेडीमेड मिल जाएगा, आपको सिर्फ देखना है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको भी पकड़ के चलेंगे और ये ही पूरा गेम चेंज कर देता है। क्लियर है सब? केपी स्टेलर में मिलेगा? मिल जाएगा, केपी स्टेलर में भी मिल जाएगा। कैसे देखना है मैं? पिंकी,
का गलत ही नहीं तो हिडन हाउसेस जो है आर गेम चेंजर, ये पूरा गेम चेंज करके रख देते हैं। फोन पर तुम्हारा फोन में फोन करे छे ठीक है। एक और एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। अभी मान लो वीनस की दशा है और वीनस क्या नंबर दे रहा है, 3, 8 और 10। फाइव इलेवन 1, 7, 10। क्या इस दशा में डिलीवरी होगी, कौन आंसर देगा? क्या आपको लगता है प्रेगनेंसी अगर है, प्रेग्नेंट अगर कोई है लेडीज और आपके पास आई है, आप क्या बोलोगे, डिलीवरी होगी या नहीं होगी? क्योंकि हमको पता है डिलीवरी का कॉम्बिनेशन क्या है। हाँ नहीं होगी, नहीं होगी, एनएल के हिसाब से हो जाएगी। नीतल जी क्यों नहीं होगी? मुझे लगता है सेकंड सब लॉर्ड की जगह पे है तो ये रिजल्ट, वैसे तो देखो अभी हमको रिजल्ट हमको पता है, रिजल्ट हमको कौन देता है, नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र। हाँ चाइल्ड का प्रेगनेंसी का प्राइम हाउस कौन सा है, फिफ्थ हाउस। हमको तो मिल गया यहाँ पे रिजल्ट, तो दे रहा है फिफ्थ हाउस का, तो रिजल्ट दे रहा है पर टेस्ट कैसा होगा ये। हाँ तो टेस्ट अभी देखो, यहाँ पे टेस्ट देखो अभी 2, 5, 11 अगर हो तो हम क्या बोलेंगे, टेस्ट अच्छा अच्छा होगा, गुड होगा, राइट। और अगर 4, 8, 12 हो तो क्या कहेंगे, बैड बैड, राइट। पर अभी अगर आप देखोगे सैटर्न को तो सैटर्न यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में आ रहा है, यस, ना ही वो फिफ्थ हाउस को नेगेट कर रहा है, ना ही वो जो नेगेटिव हाउस है 8 और 12 उनको शो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है अभी? हाँ होगी, अभी लगता है वो नेगेटिव नहीं कर रहा है। यस, तो जब नेगेट भी नहीं कर रहा है ना ही सपोर्ट कर रहा है सब लॉर्ड, तो उस स्टेट में वो क्या बोलता है कि भाई तुमको जो करना है कर लो, मैं न्यूट्रल रहूंगा, ठीक है। अभी इस केस में हमको दिख रहा है कि भाई प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी जो है वो हो जाएगी, पर अगर यहां पे आता है फिर से एक ट्विस्ट, सैटर्न अगर सैटर्न 4, 8 और 12 का सीन चल रहा है का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए तो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 4, 8 और 12। क्या लगता है आप, नक्षत्र लॉर्ड देखना है कि सब लॉर्ड? अभी हमने देखा ना यहाँ पे सीएसएल और एनएल, यहाँ पे जो है ये जो हमने देखा है यहाँ पे देखिए, अभी ये फोर्थ हाउस है, यहाँ पे फोर्थ का कस्पल सब लॉर्ड कौन बना है, जुपिटर और सब लॉर्ड, मर्करी, राइट। हाँ तो हमको पता है कि अगर अभी मान लो यहाँ पे जो है ये थर्ड हाउस है और फोर्थ हाउस है, दोनों को कौन रूल कर रहा है, मून, राइट। पर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि 12th हाउस का सीएसएल जो है वो भी मून बना है, तो मून जो है वो 3, 4 के साथ साथ 12 के भी रिजल्ट्स देगा,
अच्छा सब लॉर्ड ना, हाँ सीएसएल, क्योंकि वो सीएसएल बना है 12th हाउस का, तो वो भी एनएल की तरह रिएक्ट करेगा। यस, अभी और एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। अभी मान लो जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर किन किन हाउसेस का लॉर्ड बना है? जुपिटर बना है 8th हाउस का, ठीक है, और सिर्फ 8th हाउस का लॉर्ड बना है, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस की जो राशि वो यहाँ पे नहीं है, वो निकल गई, ठीक है, तो 8th का वो लॉर्ड बना है। और किन किन हाउसेस के रिजल्ट्स देगा जुपिटर? जहां पे बैठा है, तो कहाँ बैठा है? 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस बैठा है। तो इन जनरल हमको पता है कि 8 और 11 के रिजल्ट्स वो देगा, राइट। पर अगर अभी यहाँ पे चेक करोगे तो जुपिटर जो है वो 3rd हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बना, तो वो 3rd के भी रिजल्ट्स देगा। और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं सबसे बेस्ट। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, ये नक्षत्र लॉर्ड देखना है कि सब लॉर्ड देखना है, मतलब हिडन वाले में? ये सेल देखना है, जो सब लॉर्ड है ना। देखो अभी आप तीनों भी देखोगे यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, एक मिनट। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं जुपिटर की स्क्रीन, ठीक है, जुपिटर किन हाउस का लॉर्ड है? 8th का लॉर्ड है, 8th, और बैठा है 11th में। भी हम चेक करेंगे इसके बाद में नक्षत्र लॉर्ड किन किन हाउसेस का वो बना है, ठीक है, तो किन किन हाउसेस का वो नक्षत्र लॉर्ड बना है? नक्षत्र लॉर्ड यानी स्टार लॉर्ड, तो 3rd हाउस का बना है, हाँ 3rd हाउस का, राइट। उसके बाद में और चेक करो, और 11th का भी बना, ठीक है, तो 11 तो हमने पहले लिख लिया, फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि सब लॉर्ड किन किन हाउसेस का वो बना जुपिटर, 10th, 4th, 4th और 10th, तो जुपिटर की दशा में फोर्थ का है और 10th का है, राइट। अब जुपिटर जो है, अगर किसी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड बनता है तो किन किन हाउसेस के रिजल्ट देगा? 8, 11, 3, 11 डबल है तो हम इसको निकाल लेंगे, ये पांचों घर के रिजल्ट्स जो है वो जुपिटर देगा। अच्छा, जो जो राशि है उसके भी रिजल्ट ऐसा एनल देगा, ऐसा हो? यस, अभी मान लो जुपिटर जो है का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो जुपिटर बना है, ठीक है, जुपिटर जो है वो नक्षत्र लॉर्ड बना है मून का, तो मून की जो दशा में वो किन किन हाउसेस के रिजल्ट्स मिलेंगे? 8, 11, 3, 4 और 10, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, धीरे धीरे आपको ये हो जाएगा। अभी मान लो मून मार्स, ठीक है, प्लैनेट है मरकरी, नक्षत्र लॉर्ड कौन है मरकरी का? यहाँ पे हम देख रहे कि कौन है नक्षत्र, ये मरकरी और मंगल है उसका नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। अभी बोलो मुझे मार्स के नंबर बोलो, किन किन हाउस का लॉर्ड बना है मार्स? सबसे पहले हम हाउस देखेंगे, 12th, एक ही हाउस को रूल कर रहा है मार्स, राइट, 12th और 7th भी है, यस 7th भी है, राइट, 7th, और बैठा है 6th में, बैठा है 6th में, यहां तक क्लियर है सबको? यस। अब हम चेक करेंगे कि मार्स जो है वो किन किन घरों का नक्षत्र लॉर्ड बना है, किन किन घरों का बना है चेक करो। मार्स सेकंड का है, सेकंड का है, और सिक्स्थ, और सिक्स्थ का है, सिक्स्थ का है, और टेंथ का है, का है,
ठीक है, अभी नक्षत्र लॉर्ड का हो गया, अब हम आएंगे कॉलम, कौन सी कॉलम पे, सब लॉर्ड के। सब लॉर्ड घरों का कस्पल सब लॉर्ड बना है मार्स, बोलो फिफ्थ का बना। ठीक है, तो अभी मरकरी की दशा में, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मंगल। तो मरकरी की दशा में किन किन घरों के रिजल्ट्स मिलेंगे व्यक्ति को, ये सारे घरों के रिजल्ट्स मिलेंगे, 7, 12, 6, 2nd, 10th और 5th हाउस, इन सारे रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये तो। हाँ ये नंबर बढ़ गए तो, और ये तो किसी होगा, मेरे को ऐसा 8-12 गए मेरे इसमें। हेतल जी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको? नहीं वो पहले तक क्लियर था, अभी ये कस्पल सब लॉर्ड की जगह हम आए ना तो पता नहीं ये इतने सारे हाउसेस क्यों घूम रहे हैं, पिछले तक तो क्लियर ही था सब कुछ। यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको, 7, 12, 6 तक? हाँ वो तो वहां तक क्लियर है। अभी इसमें जो है ना, ये हाउसेस जो है ये हिडन हाउसेस कहलाता है, ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे और ये रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। इसमें कंफ्यूजन वाली बात कोई भी नहीं है, आपको इसके भी रिजल्ट पकड़ के चलना होगा, उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस देनी पड़ेगी। ठीक है, एक और एक एग्जांपल लेंगे, ये अभी शायद आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, ये जितना तो प्रैक्टिस करोगे ना। हाँ मेरा नहीं हो रहा है प्रैक्टिस इतना, जो मतलब देखने को कुंडली देखने की पड़ती है उसमें हो जाती है, एक्स्ट्रा में नहीं होती है, टाइम ही नहीं रहता है टाइम। जब तक आप पीछे वाला अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आगे का इतना क्लियर होगा नहीं। जयश्री जी को समझ में आ रहा है? सर आ रहा है अभी तो, कोई बात नहीं है, आप वीडियो देख लेना फिर से, धीरे धीरे आपके इसमें आ जाएगा, इतना कोई मतलब हार्ड नहीं है। नहीं ये समझ में तो अभी भी आ रहा है, लेकिन ये जो फिर एज अ सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड जो ऐड होता जा रहा है ना, तब जाके प्रैक्टिस करने के टाइम कंफ्यूजन हो जाएंगे कि क्या क्या ऐड करना है। नहीं तो अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं, अभी तो जो है ना हम सिर्फ देख रहे हैं कि वो हाउसेस कौन से उठा रहा है। अभी ये हाउसेस आने के बाद हम स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगे वो भी हम पढ़ने वाले आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आगे। अभी तो हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि उसकी पूरी स्क्रिप्ट कैसी बनानी है हमको। अभी उसको अभी इतने सारे नंबर्स आ गए तो आपको तो ये तो सही बात है कि अभी कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि अभी बहुत सारे नंबर आ गए है ना, पर उसको भी हम कैसे पढ़ेंगे आगे चल के हम देखने वाले हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। उसका ही ले लेते, ठीक है, वीनस का ले लेते हैं। ठीक है, तो वीनस जो है किन किन घर, अभी आप सिर्फ ये देखो कि वो हाउसेस कौन से पकड़ रहा है, अभी इसको पढ़ना कैसे है ना वो हम आगे देखने वाले हैं, वो उसका मत टेंशन लो। फर्स्ट और सिक्स्थ का लॉर्ड है बना है और टेंथ में बैठा बैठा है राइट। अभी आप चेक करो कि किसी घर का वो नक्षत्र लॉर्ड बना है क्या, वीनस देखो, नहीं दिख रहा है आपको? नहीं बना है, नहीं बना, ठीक है। केतन जी दिख रहा है आपको? हाँ हाँ नहीं बना है, वीनस नक्षत्र लॉर्ड की जगह पे नहीं, एक कस्पल सब लॉर्ड देखो किन हाउस का बना है कि वीनस, फर्स्ट सिक्स फर्स्ट का है और सिक्स का है और इलेवन, फर्स्ट का है उसके बाद में सिक्स का है उसके बाद में सेवन का भी है और इलेवन का भी है, ठीक है। अभी जो डबल डबल जो नंबर आए उसको हम कट कर देंगे यहाँ पे, ये आपको रेडीमेड मिलेगा, आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अनटेनेंटेड भी हो गया ना वीनस,
वीनस अनटेनेंटेड भी है राइट यस स्टार लॉर्ड की जगह पे नहीं है तो अभी वीनस किन किन हाउसेस के रिजल्ट्स देगा इस हिसाब से तो मुझे मेरे चार्ट में 8 बार ही दिख रहे यही पे जो है वो स्टोरी चेंज हो जाती है ये बहुत कम लोग देखते हैं पर अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी जो प्रिडिक्शंस है वो कभी भी गलत नहीं होगी युवराज जी जो बताया था ना मैंने अभी दिख रहा सारा 12 नहीं दिख रहा था ना अभी सब दिख रहा है अभी दिख रहा है मैं बोला था आपका 12th हाउस एक्टिवेट है मैं तो इग्नोर ही कर रहा था ये जो सीक्रेट है बहुत अभी तो मुझे भी देखना पड़ेगा आशीष मेरा भी एक्टिव होगा यस हाँ देखना ही पड़ेगा अभी तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा ठीक है अभी ये हाउसेस का सबको क्लियर है और एक एग्जांपल लो कि कहाँ कहाँ से क्या उठा रहा है वन मोर एग्जांपल ये ले लो लास्ट वाला ले लो एक और एक ले लेते ठीक है तो मेरा चार्ट पड़ा था उसपे से ले लो भाई नहीं तेरा तो खुद पड़ेगा कौन से प्लैनेट के लिए एक बार मून के ले लेते हैं फिर से ठीक है हाँ मून मून का ले लेते हैं मान लो मून है कहाँ कहाँ का लॉर्ड है थर्ड का है फोर्थ का है और कहाँ बैठा है सेवंथ में बैठा है ठीक है यहां तक क्लियर हो गया ये हम पहले बेसिक स्क्रिप्ट हमको पता है अब हम चेक करेंगे कि मून किन किन हाउसेस का नक्षत्र लॉर्ड बना है ठीक है तो अब आप आएंगे इस कॉलम इस वाले कॉलम देंगे ये वाले यहाँ पे देखो मून दिख रहा है कहीं पे किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है नहीं बना है तो उसको छोड़ देंगे अब देखो कि मून जो है वो किसी का कस्पल सब लॉर्ड बना है yes. किन घरों का बना है सेकंड का है थर्ड का है थर्ड और ट्वेल्थ का है सेकंड थर्ड एंड ट्वेल्थ मून जो है इन किन हाउसेस के नंबर रिजल्ट्स देगा 3, 4, 7, 2 और 12 राइट ये होते हैं ये वाली जो है ये होते हैं हिडन हाउसेस और यही पूरा गेम चेंज कर दे यही वो हिडन हाउसेस है जो आपकी प्रिडिक्शंस और दूसरों की प्रिडिक्शंस में डिफरेंस क्रिएट करेगी ठीक है अब कैसे क्रिएट करेगी वो हम देखते हैं मान लो कि वीनस जो है वो नंबर दे रहा है 7, 8 और 10 जुपिटर क्या नंबर दे रहा है 2, 6, 11 सैटर्न क्या नंबर दे रहा है 3, 7 और 10 ठीक है अब मुझे बोलो कि वीनस की दशा में आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कैसी रहेगी इस व्यक्ति की बढ़िया रहेगी बढ़िया रहेगी राइट क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड पे कौन से हाउसेज आ रहे हैं 2, 6 और 11 और सब लॉर्ड भी हमको दिख रहा है कि न्यूट्रल स्टेट में ठीक है अब अगर जो हिडन हाउसेज देखे थे ठीक है अगर सैटर्न 5, 8 और 12 का कस्पल सब लॉर्ड बनाओ तो क्या हो प्योर कौन से हाउसेस ऐड हो जाएंगे 5th, 8th और 12
अभी मान लो ये व्यक्ति पहले गया था किसी के पास, वो बोलेगा कैसा पैसा है मेरे पास, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी वीनस की दशा में, आप बोलोगे अरे बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। पर अगर आप देखो यहाँ पे कसपल सबोर्ड बना है सैटर्न 5-8-12 का, अब क्या लगता है आपको क्या होगा? ये बैंक करप्ट हो जाएगा, पैसा जो भी था वो डूब जाएगा, डूब जाएगा पैसा। सर तो आएगा पर चला भी जाएगा, इन द एंड बैंकरप्सी होगी, क्योंकि बैंकरप्सी का कॉम्बिनेशन क्या है 5-8-12। क्या लगता है आपको अभी? अच्छा तो ये मतलब सबलॉट लेवल पे भी कस्पर सबलॉट चेक करना पड़ेगा, यही पे हमने जो चेक किया था यही। भी मान लो यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे मान लो अभी हमने पढ़ा था ना सैटर्न, यहाँ पे भी सैटर्न है 5 के, यहाँ पे 8 में भी सैटर्न है और 12 में भी सैटर्न आ रहा है, तो अब मिल गए 5-8-12। यहाँ पे पूरी कहानी चेंज हो गई, भी थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब कस्पल जो सब लॉर्ड है वो एनएल लेवल पे भी देखना है और सब लॉर्ड लेवल पे भी देखना है ऐसा। क्या क्या क्वेश्चन एक बार बोलो फिर से। जो ये हिडन वाला है, ये कस्पल सब लॉर्ड वाला है, ये एनएल पे तो अपने देख रहते हैं एग्जांपल में, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पे भी चेक करना है कस्पल सब लॉर्ड का। हाँ तीनों लेवल पे, प्लेनेट के लेवल पे भी, एनएल के लेवल पे भी और सीएसएल के लेवल पे भी। एक फिर से एक एग्जांपल लेते, ये थोड़ा सा आपको अभी टाइम लगेगा पर आपको प्रैक्टिस बहुत करनी बड़ी बन पड़ेगी। रही है मतलब। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार वीनस की बना लेते स्क्रिप्ट, ठीक है? एक बार आपको हमारा दिखाई देता हूँ। खराब अभी बिजनेस देखो थी हमारा। वीनस जो है कहाँ है, वीनस वीनस ठीक है, वीनस का बनाते पहले। वीनस, अब बोलो वीनस कहाँ कहाँ का लॉर्ड है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये हाउस लॉर्ड है, फर्स्ट वीनस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सिक्स्थ का लॉर्ड है, का लॉर्ड है और सिक्स का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है वीनस। टेंथ। टेंथ में बैठा है। अब मुझे बोलो कि वीनस किसी हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बना है क्या, देखो एक बार। नहीं बना है। नहीं बना है, अब वो उसको छोड़ देंगे। अब देखो किसी हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना है, यस फर्स्ट का है, फर्स्ट का है, हमने सिक्स्थ फर्स्ट का लिख है, लिया, सेवेंथ का है, सिक्स्थ सेवेंथ नाइन्थ एंड इलेवेंथ। फर्स्ट सिक्स और 11, राइट। ये है यस हमारा प्लेनेट। अब वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है देखो एक बार। सेवेंथ का भी है, सेवेंथ नहीं लिखा आपने। ओके वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन बना है? यहाँ पे ऊपर चेक करो, जुपिटर। जुपिटर, राइट। जुपिटर तो जुपिटर को हम लिख लेंगे। अब मुझे बोलो कि जुपिटर किन किन हाउस का हाउस लॉर्ड बना है और कहाँ बैठा है। जुपिटर एट का है, थर्ड एट का हाउस लॉर्ड है, थर्ड का हाउस लॉर्ड सॉरी मून है, जय श्री ना, थर्ड हाउस ओनली एट का ही है। एट का है और कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है कुंडली में, इलेवेंथ में बैठा है, इलेवेंथ में बैठा है। ठीक है। अभी ये हो गया, अब मुझे बोलो कि जुपिटर जो है वो किन किन हाउसेस का नक्षत्र लॉर्ड बना।
थर्ड का है और किसी और इलेवेंथ का है अभी यहाँ पे हो गया। अभी किंग किन हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना है जुपिटर फोर्थ का और टेंथ का ठीक है हो गया। अभी ऊपर चेक करो कि वीनस का सब लॉर्ड कौन है यहाँ पे जुपिटर सैटर्न है सॉरी सैटर्न 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 है राइट। अभी हम सैटर्न की बना लेते सब लॉर्ड सैटर्न। अब सैटर्न के नंबर बोलो मुझे सैटर्न है वो टेंथ का और इलेवेंथ का लॉर्ड है जो है वो टेन हाउस टेंथ हाउस और इलेवेंथ एंड सिटिंग इन ट्वेल्थ। अब मुझे बोलो कि वो किन किन हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बनाए सैटर्न है वो सेवेंथ का नक्षत्र लॉर्ड है तो बनाए बस सिर्फ सेवेंथ का है। अभी हो गया। अब देखो कि किन किन हाउसेस का कस्पल सब लॉर्ड बना है नहीं है किसी का भी कोई भी नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं रुक जाएंगे ठीक है। अब ये बन गए हमारी स्क्रिप्ट यस राइट। प्लैनेट कौन है वीनस नक्षत्र लॉर्ड कौन है जुपिटर और सब लॉर्ड कौन है सैटर्न। तो ये जो है ये है हमारी कंप्लीट स्क्रिप्ट इसमें ये जो बाकी के जो हाउसेस है ये जो हिडन हाउसेस है ये बाद में ऐड हो गए ग्यारह बारह सेवन क्लियर है। ये और एक स्क्रिप्ट बनाए। अभी इसको पढ़ना कैसे वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये देखो कि स्क्रिप्ट बनानी कैसी है हिडन हाउसेस को लेकर। पहले तो हम तीन ही हाउसेस लेते थे कि कहाँ कहाँ का हाउस लॉर्ड बनाए और कहाँ कहाँ वो बैठा है। अभी हम हिडन हाउसेस को भी इंक्लूड करेंगे। और एक प्लेनेट के बनाए स्क्रिप्ट लेते हैं प्लेनेट मरकरी को। अभी मरकरी कहाँ कहाँ का लॉर्ड बनाए देखो सेकंड का सेकंड का ओनली सेकंड का ही ओनली सेकंड का ये ठीक है। और कहाँ बैठा है सिटिंग इन टेंथ टेंथ में बैठा है सिटिंग इन टेंथ राइट। अभी यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अभी आते हैं हम एनएल लेवल पे मार्स है फिफ्थ लॉर्ड कौन बना है मरकरी का मार्स। मार्स के नंबर क्या क्या है मार्स सेवेंथ एंड ट्वेल्थ एंड सिटिंग इन सिक्स्थ। सब लॉर्ड कौन है मरकरी का मरकरी का वीनस है कहाँ कहाँ वीनस का वीनस वन सेवन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और वन का लॉर्ड है टेन वन सिक्स और टेन टेंथ में बैठा है। अभी ये जो थी ये स्क्रिप्ट ये हमने पहले पढ़ी थी राइट। ये जनरल स्क्रिप्ट है। अभी अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें जो है वो हिडन हाउसेस को ऐड करेंगे। अब मुझे बोलो मरकरी जो है वो किन किन हाउसेस का नक्षत्र लॉर्ड बना है यहाँ पे चेक करो। सॉरी फोर्थ का नक्षत्र लॉर्ड है
सिर्फ फोर्थ का नक्षत्र लॉर्ड रहा हूँ और सब लॉर्ड किसी का नहीं, सब लॉर्ड है ही नहीं किसी का, फोर्थ का बना है और मरकरी जो है वो किसी भी हाउस का सब लॉर्ड नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा घर हमको मिल गया। अभी हम आते हैं मंगल पे। मंगल देखो, अभी चेक करो किन किन हाउसेस का नक्षत्र लॉर्ड बना है। मंगल सेकंड का है, सेकंड का है, सिक्स्थ का है, टेंथ का है, सेकंड का है, फिफ्थ का नहीं, सिक्स्थ का है ना, सिक्स्थ का है और टेंथ का है, टेंथ का है, राइट। और अब बोलो कि सब लॉर्ड किन किन का बना है। फिफ्थ का, फिफ्थ का ही है, ठीक है। यहाँ पे मंगल की स्क्रिप्ट खत्म हो गई। अभी वीनस चेक करो कि क्या वीनस किन किन हाउसेस का नक्षत्र लॉर्ड बनाए। वीनस नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, वो किसी भी घर का नक्षत्र लॉर्ड वीनस नहीं बना है। और सब लॉर्ड कहीं बना है? यस, फर्स्ट का है, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड इलेवेंथ, फर्स्ट, सिक्स्थ, सेवेंथ, इलेवेंथ। अब ये जो है ये कंप्लीट स्क्रिप्ट हमारी बन गई। अभी मान लो मरकरी की दशा है, किन किन हाउसेस के रिजल्ट्स मिलेंगे, 7, 12, 6 और उसके साथ में। अभी यहाँ पे अगर हम देखते 7, 12, 6 तो इतना पैसे का ये नहीं दिख रहा था, पर अब जब हिडन हाउसेस को हमने पकड़ लिया तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पैसा दिख रहा है, 6, 7, 11 जो बाकी की जैसे ही इफेक्टिवली रहेगा उसका। जैसे 7, 12 है जो मार्स के एनएल है, और बाकी हिडन हाउसेस जो ऐड हुए तो वो उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे कि दोनों इक्वल लेवल पे करेंगे। ये देखो, अभी सबसे पहले तो ये जान लो कि रिजल्ट्स तो इन सब घरों के मिलेंगे, ठीक है, इक्वल। अभी इसकी जो स्ट्रेंथ है कि स्ट्रेंथ क्या क्या है वो हम देखेंगे एंड में, कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो किन किन घरों को वो स्ट्रेंथ करेगा, ठीक है। यहाँ तक अभी कुछ डाउट है इसमें? नहीं, ये सब आपको रेडीमेड मिल जाएगा। अभी सिर्फ आपको देखना है कि भाई ये नंबर्स आ कहाँ कहाँ से रहे, और यहाँ पे पूरी स्टोरी चेंज हो रही है। आप चेक करोगे यहाँ पे अभी गवर्नमेंट जॉब पहले शो नहीं कर रहा था, अभी हिडन हाउसेस को हमने लिया तो गवर्नमेंट जॉब शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? शो कर रहा है, राइट। तो यही है सबसे बड़ा सीक्रेट केपी एस्ट्रोलॉजी का। और यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शंस और दूसरों की प्रिडिक्शंस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो सिर्फ इन हाउसेस को पकड़ेगा जो हमको दिखते हैं इंजन, पर जो हिडन हाउसेस जो है ये हर कोई नहीं देखता। और स्क्रिप्ट बनाए ये समझ में आ गया? ये सभी तो समझ में आ गया ऑलमोस्ट। कोई है जो जिसको नहीं समझ में आया? अभी सिर्फ जान लो, जैसे और एक बार आप देखोगे ना वीडियो और क्लियर हो जाएगा। अभी इसको पढ़ना कैसे वो आगे की बात है, पर अभी ये हिडन हाउसेस अगर आ रहे तो ये स्क्रिप्ट बन कैसे रही वो हमको चेक करना, ठीक है। एक एक बना लेते हैं और फट से। अभी हम बना लेते हैं, देखो जुपिटर की बना है, प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है जल्दी जल्दी बोलो। वो सैटर्न। और सब लॉर्ड कौन है? मरकरी। जुपिटर के नंबर बोलो क्या क्या है। जुपिटर एट हाउस लेके चल रहा है, एट ठीक है। सैटर्न का बोलो, सैटर्न है वो टेंथ और इलेवेंथ लेके चल रहा है, और सिटिंग इन ट्वेल्थ। सैटर्न है नाइन्थ भी है, नाइन्थ में भी एक उसकी राशि है। ओ हाँ, नाइन्थ भी है, नाइन्थ भी है सैटर्न।
दो दो राशि लेके बैठा है, 9, 10, 11 and sitting in 12th. मर्करी का बोलो, मर्करी है वो सेकंड हाउस लेके चल रहा है एंड सिटिंग इन 10th. अभी हो गया हमारी जनरल स्क्रिप्ट, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे हिडन हाउसेस. आप चेक करो जुपिटर किन किन हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बना है. थर्ड का है और इलेवेंथ का है. भी चेक करो कि किन किन हाउसेस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना. फोर्थ एंड टेंथ. टेंथ ठीक है. अब आते हम सैटर्न पे. सैटर्न में कौन से हिडन हाउसेस ऐड हो रहे हैं. सेवेंथ हो रहा है सैटर्न. किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना है क्या, किसी का हाउस का नक्षत्र लॉर्ड है वो सेवेंथ. सॉरी मैंने पहले वो लिखा दिया. ओके नक्षत्र लॉर्ड है वो सेवेंथ का है. वो नक्षत्र लॉर्ड सेवेंथ का है. वो किसी हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना है वो. नहीं सब लॉर्ड नहीं है सब लॉर्ड. हाँ नहीं. एक ही हिडन हाउस इसमें ऐड हो गया. अभी मरकरी का चेक करो. मरकरी फोर्थ का है. फोर्थ का नक्षत्र लॉर्ड बना है मरकरी. और सब लॉर्ड किसी का और नहीं. सब लॉर्ड किसी का भी नहीं. अनटेनेंटेड. यहाँ पे ई के हाउस यहाँ पे ऐड हो गया मरकरी के लेवल में. ठीक है अभी हम देखे यहाँ पे तो शादी के कोई भी नंबर शो नहीं कर रहा था पहले, पर अब हमने चेक किया तो सेवेंथ हाउस हिडन हाउस बन के ऑपरेट कर रहा है. तो क्या इस दशा में शादी होगी. हो जाएगी. हाँ हो जाएगी आराम से हो जाए. ठीक तो ऐसे काम करते हैं हिडन हाउसेस. अभी ये नंबर्स कहाँ कहाँ से आए आपको अभी क्लियरली पता चला होगा. ठीक है अभी यहाँ पे देखो ये एग्जांपल लिया था हमने. वीनस क्या नंबर दे रहा है 3, 5, 8. जुपिटर दे रहा है 1, 9, 10 और 3, 4, 5. ठीक है अभी जुपिटर जो है वो सेवेंथ और इलेवेंथ का कस्पल सबलोड बन जाए तो यहाँ पे रिजल्ट किसके और ऐड हो जाएंगे 7 और 11 के. 7 और 11 राइट. तो क्या इस केस में अब शादी होगी. पहले तो हमको शादी दिख ही नहीं रही थी पर जैसे हमने हिडन हाउसेस को चेक किया और देखा कि सेवेंथ और इलेवेंथ का वो सीएसएल बना है जुपिटर तो उसकी भी जो रिजल्ट है वो मिलेगी. राइट. और एक एग्जांपल चेक कर जाते यहाँ पे हमने चेक किया 2, 5, 11. ठीक है कोई पूछा भाई डिलीवरी कैसी होगी आपने क्या बोला बढ़िया होगी कोई दिक्कत नहीं होगी. क्यों क्योंकि सैटर्न जो है वो न्यूट्रल स्टेट में दिख रहा है ना ही नेगेट कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है और नक्षत्र लॉर्ड तो एकदम अच्छे नंबर्स दे रहा है. पर अब आपने चेक किया कि जुपिटर कहीं पे कुछ नेगेटिव हाउसेस के एनएल या एसएल बना तो नहीं है. आपने चेक किया और आपको दिखा कि जुपिटर जो है वो 4, 8 और 12 का नक्षत्र लॉर्ड बना है. सॉरी सैटर्न जो है वो 4, 8 और 12 का नक्षत्र लॉर्ड बना है तो यहाँ पे कौन से हाउसेस ऐड हो जाएंगे सैटर्न के स्क्रिप्ट में 4, 8 और 12. अब क्या इस केस में क्या होगा क्या लगता है आपको. मिसकैरेज हो जाएगा ना. बाकी एस्ट्रोलॉजर्स ने तो बोल दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी पर आप क्या बोलोगे मिसकैरेज हो. समझ में आ रहा है. ये लेकिन 2, 5, 11 तो वो भी होता है ना कि हाँ बच्चा होगा ये बच्चा. या फिर ऐसा ही कंसीव होगा ऐसा हुआ कंसीव तो हुआ स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या शो कर रहा है
मिसकैरेज हो जाएगा, राइट। अभी मान लो कि सैटर्न ही अगर 5-11 का सीएसएल बन जाए तो इस केस में स्टोरी क्या बनेगी, कि डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो इतना ये बड़ा इंपैक्ट डालते हैं हिडन हाउसेस, और ये 100-200% काम करता है। एक और एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखा हमने रिजल्ट किसके मिल रहे हैं, व्यक्ति को 2-6-11 पैसा ही पैसा आ रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि खूब पैसा आएगा, अभी वो आपके पास आया, आपने देखा कि सैटर्न जो है वो 5th, 8th और 12th का सीएसएल बना है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, भाई पैसा तो आएगा तो थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्यों, क्योंकि बैंक्रप्सी के चांसेस है, 100% बैंक्रप्सी आएगी, 100% आप बोल देना। अब आप चेक करना अपनी अपनी कुंडली, जो पहले आपको दिख नहीं रहा था ना, आप दिखना शुरू हो जाएगा, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों डिप्रेशन आ रहा है, खुल गई है सबकी। हाँ, अभी तीसरी आंख खुल गई, अभी आपको दिखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही है, अपनी अपनी स्क्रिप्ट खोल के बैठ जाना। कहीं पे तो अभी लग रहा था पहले क्या हाउस, कितनी बड़ी बड़ी हाउस एक्टिवेट है, और जब एनएल और एसएल पे देख रहा है तो प्लेनेट जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव हाउसेस से कनेक्टेड है, यहाँ पे पूरी स्टोरी चेंज हो रही है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अभी मान लो मून जो है, ये जो है ना, अभी आपको इतना भले अभी क्लियर ना हो, पर जैसे जितनी बार आप देखोगे ना वीडियो उतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आया था, पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये परफेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी मान लो 173 नंबर दे रहा है मून, जुपिटर दे रहा है 5, 9 और 10, और सैटर्न दे रहा है 1, 3, 10, आपको क्या लगता है कि मान लो ये मून की दशा किसी की चालू है, आपको लग रहा है कुछ हेल्थ इश्यू दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है। पर अगर, ये अगर वर्ड जो है बहुत डेंजरस है, ठीक है। अगर जुपिटर 8 और 12 का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए ठीक है, पैटर्न 6, 8, 12 का सब लॉर्ड बन जाए, तब हिडन हाउसेस है नीचे वाले। मून जो है वो 6th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, अब मुझे बोलो कि हेल्थ कंडीशन कैसी होगी? बस भगवान ही बचाए इनको।
बस भगवान ही बचा है। तो ऐसे ये भगवान ही बचाएगा। पहले तो इसको लग रहा था क्या बढ़िया बड़े, फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट है, नाइन्थ भाग्य का भी एक्टिवेट है, स्टेटस भी बढ़ेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी देख लो मून जो है वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, राइट। तो यहाँ पे 173 के साथ में किसका रिजल्ट ऐड हो गया, सिक्स का भी हो गया, ये बहुत डेडली सिचुएशन बन गया है। ऐसे चेंज होती है स्क्रिप्ट, भी किसी को कोई और कुछ बोलेगा और आप जो है वो आप रियल पिक्चर उसके सामने रखोगे। समझ में आ रहा है? बस अभी अभी एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं धीरे धीरे आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर। ये प्रैक्टिस इज द की, अगर आप सिर्फ लर्न करोगे तो नहीं होगा, आपको अलग अलग कुंडली पे प्रैक्टिस करना होगा। अब आपको दिखेगा अपनी कुंडली में कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, है ना, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे किसी को पैसा नहीं शो कर रहा था, अभी पैसा शो कर रहा है ना। आप देख रहे थे इसकी कुंडली में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पैसे के हाउसेस तो एक्टिविटी नहीं, फिर भी इसके पास पैसा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 2, 6, 11 से कनेक्टेड है हिडन हाउसेस में। अब आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर आएगी, अब आप खुद का चेक करना कि आपका महादशा प्लेनेट कौन सा है, अपनी स्क्रिप्ट बनाना और चेक करना कि कौन से जो हिडन हाउसेस है वो एक्टिवेट है आपकी कुंडली में। मेरे को तो धक धक हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो को आप देखना 2-3 बार देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही वो समझ में तो आ गया, क्लियर हो गया, यही वो चीज है जो आपको 95% एस्ट्रोलॉजर से अलग करेगी, यही वो चीज है। इसे ऐप में देखना हो तो कैसे देख सकते हैं? ऐप में मैं आपको कुछ बताऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं आपको, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि किस घर का कसपल सब लॉर्ड है, किस घर का एनएलआर है, ठीक है। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ अच्छा, हाँ? अच्छा ये मैनुअली करना होगा ऐसा? नहीं, मैनुअली करने की जरूरत नहीं, आपको रेडीमेड वो दिखा देगा कि वो जुपिटर जो है वो किन किन घरों का नक्षत्र लॉर्ड बना है। नहीं वो तो वहां पे लिखा रहेगा, बट ऐसे स्क्रिप्ट जैसे ये लिखी हुई है ना वैसी लिखी हुई नहीं आएगी ना? ऐसी आएगी, सेम टू सेम ऐसी आएगी। अच्छा तो बढ़िया, सेम टू सेम ऐसी आएगी, आपको कुछ नहीं करना उसमें, आपको सिर्फ पढ़ना है। हेलो, हाँ पूरा जी, ये हॉरोसॉफ्ट है ना उसमें हाँ। नहीं दिखा रहा है ये अनटेनेंटेड प्लैनेट ऐसा कुछ, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा उसमें। आप जो है ना हितल जी, उसमें एक ऑप्शन है एडवांस या कुछ एक्स्ट्रा हाउसेस का ऑप्शन, देखो उसमें है क्या किसका, मैं आपको डालूंगा ग्रुप में, उसमें भी दिखाता है। अच्छा, मैंने तो बहुत ढूंढा, मेरे को कहीं मिला ही नहीं, मैंने सोचा ये मैं अनटेनेंटेड ढूंढूंगी कहां से, वही समझ में नहीं। वहां पे देखो आप स्टार दिख रहा है प्लैनेट्स के आगे? नहीं अभी तो मैंने खोला हुआ नहीं है सॉफ्टवेयर, मैं खोल के आज रात को देखती हूँ। हाँ वहां पे दिखाएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपको दिखाएगा अनटेनेंटेड प्लैनेट, वो भी दिखाएगा किसका एनएल एसएल है, क्योंकि हर बार तो बनाने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। पर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी उसके शायद हिडन जो है वो सब आते ही नहीं है, फंक्शन कहाँ कहाँ पे कुछ और रखा हुआ है, देखूंगी। अच्छा सॉफ्ट में भी आता है और केपी स्टेलर में भी आता है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके अभी एक मैं आपको एक बार स्ट्रेंथ देख लेते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा आपको ठीक है कैसे देखना। अभी स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे अगर हम, तो सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट में स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? इंडिपेंडेंट हाउस की, ठीक है, सबसे ज्यादा द मोस्ट पावरफुल हाउस स्क्रिप्ट में। दूसरी स्ट्रेंथ क्या बनेगी कि वो हाउस जिसका प्लेनेट कस्पल सब लॉर्ड बना हो और जिसमें बैठा हो वो इक्वली स्ट्रांग होंगे, सेकंड मोस्ट पावरफुल हाउस, ठीक है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद में नंबर आता है नक्षत्र लॉर्ड का, अगर कोई प्लेनेट किसी हाउस का एनएल बना है वो थर्ड मोस्ट पावरफुल हाउस बनेगा, और सबसे लास्ट में जिस भी हाउस का वो हाउस लॉर्ड बना है वो सबसे लास्ट पावरफुल होगा, ठीक है, फोर्थ मोस्ट पावरफुल। इसको अभी हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ वाइज हम कैसे देखें, ठीक है। अब मुझे बोलो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है फर्स्ट नंबर पे? इंडिपेंडेंट, राइट? उसके बाद में प्लेसमेंट एंड सीएसआर, ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, टेंशन मतलब। एनएल और हाउस लॉर्ड, मान लो कि जुपिटर एक प्लेनेट है जो अनटेनेंटेड है, यूटी है, ठीक है। अभी जुपिटर जो है वो फिफ्थ और सिक्स हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, और फिफ्थ हाउस जो है खाली है, ठीक है। उसके बाद में जुपिटर जो है वो टेंथ हाउस में बैठा है और एट्थ हाउस का वो एट्थ हाउस का वो सीएसएल बना है और ट्वेल्थ का एनएल बना है। यहां तक क्लियर है? देखो जुपिटर जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ में बैठा है, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस का वो लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस जो है वो खाली है, ठीक है। अभी हमको पता है कि अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड हो और कोई घर अगर खाली हो तो वो घर कौन सा हाउस कहलाएगा? इंडिपेंडेंट हाउस, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, वो ना ही कोई हाउस उसको नेगेट कर पाएगा, ठीक है, वो पूरी स्क्रिप्ट में अलग से ही काम करेगा। अभी जुपिटर जो है वो फिफ्थ और सिक्स हाउस का मान लो लॉर्ड है, टेंथ हाउस में बैठा है, एट्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना है और ट्वेल्थ हाउस का वो एनएल बना है। अभी स्ट्रेंथ वाइज अगर हम इसको चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? देखो एक नंबर पे इंडिपेंडेंट हाउस, मतलब कौन सा इंडिपेंडेंट हाउस? फिफ्थ, फिफ्थ हाउस, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे कौन सा है? प्लेसमेंट और सीएसएल, टेंथ हाउस में बैठा है तो टेंथ एंड फिर उसके बाद कस्पल सब लॉर्ड एट्थ पे बना है, दो नंबर पे ये पावरफुल हो गए यूटी के बाद में। अब एनएल इसका बना है बारहवे हाउस का, बारहवे का बना है, और किस हाउस का हाउस लॉर्ड है वो? हाउस लॉर्ड हाँ
फिफ्थ और सिक्स्थ पे, फिफ्थ और सिक्स्थ का वो हाउस लॉर्ड वन। ठीक है, अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ वाइज किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब जुपिटर जो है फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स किसके देगा, फिफ्थ हाउस के, उसके बाद में किसके देगा, टेंथ और एट्थ के, उसके बाद में ट्वेल्थ के और फिफ्थ सिक्स के, ये होती है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ आ गई आपके ध्यान में, कि आप क्या बोलोगे कि भाई जुपिटर अगर किसी का एनएल बनाओ तो फिफ्थ हाउस जो है वो स्ट्रांगली ऑपरेट करेगा, स्ट्रांगली, और उसके बाद में कौन से दो हाउसेज से जो ज्यादा स्ट्रांगली ऑपरेट करेंगे फिफ्थ के बाद, टेन और एट, टेन और एट के बाद में ट्वेल्थ, और सबसे लास्ट में जो भी हाउस का वो लॉर्ड बना है तो सबसे लास्ट में उनका नंबर आता है। तो ये होती है स्ट्रेंथ वाइज प्लैनेट। ये क्लियर है सबको? क्लियर। तो ने क्या देखा कि हिडन हाउसेस, ये हिडन हाउसेस है जो पूरी गेम पलट के रख देता है। अभी इसके बाद में कोई भी हाउसेस ऐड नहीं होंगे, ये हमारी कंप्लीट जो स्क्रिप्ट है, कंप्लीट जो स्क्रिप्ट है ये ऐसे दिखेगी हमको। सर ये हिडन हाउसेस भी नेगेट करेंगे सर, जैसे आपने सिखाया ये रूल इसमें भी है सर? ये पूरे रूल इसमें भी है। अभी यहाँ पे देखो 6, 8, 12 भी है, तो ये नेगेट करेंगे फिफ्थ हाउस को भी। राइट, यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर, यस। अभी हम क्या करते हैं, मैं एक बार चेक करता हूं कि हम सैटर्न और आपकी अंतरदशा कौन सी है। सैटर्न में सैटर्न ही चल रहा है मेरा। सैटर्न में सैटर्न ही है, हाँ, प्रत्यंतर वीनस का चल रहा है। सैटर्न को काट लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में आता है वीनस, उसमें वीनस हमने स्क्रिप्ट उठा लिया है। दिख रहा है आपको सैटर्न और वीनस? ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिडन हाउसेस में क्या क्या आ रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक किया है, ये तीन डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये तीन वाले, उसके बाद में ये वाला सेलेक्ट करेंगे। चेक करेंगे सैटर्न कहाँ है, सैटर्न आपका पैटर्न की इसमें मून जो है वो ना ही किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना है, ना ही किसी का सब लॉर्ड बना है, तो ये बात तो अच्छी है, राइट। और मून भी मून ही है, सब लॉर्ड जो है वो भी मून ही है, तो कोई टेंशन नहीं, मतलब दशा जो है वो कैसी है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अभी वीनस, वीनस का पीढ़ी ये बोला ना आपने, वीनस का प्रजंतर है सर जुलाई तक। अब देख करो आप वीनस, ये अभी चेंज देखो आप, वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है। तो सडनली कौन से घर उसने एक्टिवेट किया आपकी वीनस की दशा में, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, बस थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस, ठीक है। उसके बाद में मरकरी जो है, मरकरी ने कौन से हाउसेस एक्टिवेट कर लिए यहाँ पे हम चेक करते एक बार, मरकरी और बारह दिख रहा है आपको, हाँ, दो दस और बारह, ये इसको हम इग्नोर करेंगे एसएसएल को, एसएसएल को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे कौन से नंबर ऐड हो गए यहाँ पे सब लॉर्ड में, दो स्टार लॉर्ड में दो दस और बारह, राइट। पहले सिर्फ चार और बारह था, तो कहीं ना कहीं स्टेटस भी शो कर रहा है और पैसे भी शो कर रहा है, राइट। यस, और सब लॉर्ड जो है वो कौन है, सैटर्न, तो सैटर्न भी जो है वो 3, 7, 8, 9 है, कोई हिडन हाउसेस आपके एक्टिवेट नहीं कर रहा है, राइट। तो अभी वीनस के पीडी में किन किन हाउसेस के मिलेंगे आपको रिजल्ट्स, एक तो वो अनटेनेंटेड है, 2-5 के नंबर्स तो आएगे आएगे उसमें, राइट। अभी एक बार आपका चार्ट भी देख लेते हम कि कोई घर आपका खाली है कि नहीं, हम वो खाली है कि नहीं कौन सी चार्ट में देखेंगे, भाव चलित चार्ट, ठीक है। अभी देखिए सेकंड हाउस में वीनस है तो ये इंडिपेंडेंट हाउस नहीं हुआ, हाँ, पर फिफ्थ हाउस जो है वो खाली है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हाउस ऑपरेट हो रहा है, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस किन चीजों का है, सॉल्यूशंस का, फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का है, रेमेडीज का। अभी अगर इस पीरियड में आप अगर सॉल्यूशंस दोगे तो वो 100% फ्रूटफुल रहेंगे क्लाइंट के लिए, राइट। तो अभी फिफ्थ हाउस जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट हुआ है आपके कुंडली में, और ये जो मून के जो रिजल्ट दिखा है ना वो पराशरी के हिसाब से भी बिल्कुल मैच कर रहा है, ये सिर्फ ना आप हम लोगों को उसके लिए बता रहे हैं, हाँ सर। यस 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 यस। ये भी यहाँ पे नस की दशा में सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, उसके बाद में कौन से है, थर्ड हाउस, राइट, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ भी सेकेंड हाउस, सेकेंड भी है, ट्वेल्थ। पहले वीनस का ये कर लेते हैं, आप हाथ से भी बना सकते हो स्टार्टिंग में, मैं तो इंसिस्ट करूंगा अगर हाथ से बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के जो है ना आपको याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, अभी वीनस के केस में फिफ्थ हाउस जो है वो इंडिपेंडेंट है, yes. तो आप इसको येलो कलर भी कर सकते हो, सबसे ज्यादा पावरफुल, ठीक है। और
उसके बाद में कहां बैठा है, सेकंड हाउस में, तो हम उसको रेड कर देंगे। तो हम उसको अभी लिखेंगे स्ट्रेंथ वाइज, मैं आपको लिखा तो स्ट्रेंथ वाइज कैसे लिखना है इसको। ठीक है, और थर्ड हाउस जो है वो स्टार लॉर्ड बना है थर्ड हाउस का, तो इसको हम ऑरेंज कर देंगे, और सिक्स्थ का वो सब लॉर्ड बना है। रेड कर देंगे। ये हो गया हमारे स्ट्रेंथ के वाइज अरेंजमेंट पूरी। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है, फिफ्थ हाउस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और सेकंड लेवल पे कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड हाउस, क्योंकि उसमें बैठा है, सिक्स का कस्प और सब लॉर्ड बना है, और थर्ड का वो स्टार लॉर्ड बना है। ठीक है, और फिफ्थ का तो वो साइन लॉर्ड बना है, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी आते हैं हम मरकरी के केस में। मरकरी जो है वो किन किन इसका बना है, फोर बारह, टेन सॉरी टेन ट्वेल्व बारह दो भी है दो। तो अभी पूरे मरकरी की जो पीढ़ी है उसमें इन सारे हाउसेस के आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, अच्छे नंबर से आपकी एक्टिविटी अभी फिलहाल में तो बढ़िया काम चल रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, थोड़ा स्टेटस भी बिल्डअप हो रहा है, पढ़ाई भी चालू है क्योंकि फोर्थ हाउस है, राइट, और कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस है। तो क्या कर रहे हो, ट्वेल्थ हाउस क्या रिजल्ट दे रहा है आपको? मेरे को कोई ज्यादा दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हूँ और चैरिटी में कॉन्स्टेंट करती हूँ। हाँ, मेडिटेशन करती हूँ, चैरिटी कॉन्स्टेंट देती हूँ, जो मेरा एक पोर्शन है, मेरी आदत है, पहले से मैंने एक हिस्सा निकाल के रखा हुआ है, तो वो निकल ही जाता है और वो चैरिटी में चला ही जाता है। तो मुझे ज्यादा नहीं, कभी समटाइम होता है, समटाइम होता है स्ट्रेस आता है तो रोना आता है समटाइम, वो बिना कारण आता है। रीजन मेरे को वैलिड नहीं दिखता, फिर भी पता नहीं मतलब ट्वेल्थ का ऐसा कुछ मुझे जो मतलब अपन को जो बिना कारण कुछ वो दिखता है ना, स्ट्रेस देता है, डिप्रेशन जैसा, कभी कभी समटाइम वो दिखता है, कभी कभी मैं करती हूँ यूज फिर भी दिखता है। हाँ, तो वो पूरी तरह से तो नहीं जाएगा ना, पर कहीं ना कहीं आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। नहीं, इंटेंसिटी तो वैसी है ही नहीं ज्यादा, बट समटाइम आई फील, बाकी रेगुलर बेसिस पे मैं यूजुअली करती हूँ, मैं हॉस्पिटल वाला भी कर लेती हूँ, मैं हॉस्पिटल में भी चैरिटी कॉन्स्टेंट भेजती हूँ, ये सब मैंने यहाँ पे नहीं होता। फिफ्थ हाउस अगर यहाँ पे नहीं होता, फिफ्थ हाउस यानी क्या है, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी है, फन भी है, तो थोड़ा कभी कभी जॉली मूड में, अगर यहाँ पे मान लो आठ होता तो आठ और बारह अगर होते तो स्ट्रेस फील होता आपको? यस, ज्यादा होता, राइट। तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस की वजह से भी थोड़ा सा उसने बैलेंस आउट कर दिया ट्वेल्थ को, है ना, मतलब कभी कभी डाउन भी लगता है और कभी कभी अच्छा भी लगता है, फन भी लगता है। डाउन मतलब लगता है 10% में लगता है, 90% अच्छा ही लगता है। अभी वैसे दशा बहुत अच्छी चल रही है, टच वुड, पैसे भी अच्छे आ रहे, इमेज भी बिल्ड हो रही है, वीनस की दशा में ज्यादा मतलब पिछले तीन महीने में ज्यादा ही हुई है, इट्स गोइंग गुड, पढ़ाई भी ज्यादा हो रही है। तो एक्टिविटी ना आपका, ठीक है, तो आज के लिए हम, और कोई डाउट्स आपके? आज थोड़ा हेवी सेशन था, पर आप अभी इसको देखोगे ना फिर से, तो जितनी बार देखोगे उतना क्लियर होगा, पर ये इम्पोर्टेंट था आज का। एक डेट और लेंगे सर मेरी? हाँ, आपकी क्या कुंडली लेनी है?
हाँ सुन लीजिए ना, 5 मार्च सर मेरा भी ऐसे बताएंगे सर ये थोड़ा सा। हाँ ईयर क्या है आपका? 5 मार्च 1975। 75, 5 मार्च। हाँ और टाइम आपका? 1:05 सर एएम। एएम एएम यस सर। मतलब रात के या दिन के? दिन के मतलब अर्ली मॉर्निंग सर, 1 o'clock अर्ली मॉर्निंग। बराबर है टाइम आपका 5 मार्च 1975 1:05 AM ही है ना? हाँ एएम सर, एएम। और प्लेस क्या है आपका? बीकानेर राजस्थान। दशा चालू है आपकी अभी? मून की दशा सर। मून की दशा चालू है अभी। देखो हम जनरल स्क्रिप्ट देखते हैं तो मून में क्या शो कर रहा है, 3, 8 और 11 राइट, और 4, 7, 12 इसको हम। और ये कौन सी चालू है आपकी, एडी कौन सी चालू है? राहु, राहु की सर, अंतर दशा ना सर। कहा ना आपने आपकी एमडी, इसको हम सेव कर लेते हैं। और राहु की चालू ही एडी आपकी। कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि कौन से हिडन हाउसेस जो है वो एक्टिवेट है इनके इसमें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मून जो है वो तो अनटेनेंटेड प्लेनेट नहीं है, इसलिए वन मून की दशा चालू है ना आपकी जयश्री जी? यस यस। हाँ तो मून जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट नहीं है, इसलिए इसके रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे हमको। रिजल्ट्स किसके मिलेंगे? मरकरी के। तो यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है मरकरी में? 3, 8 और 11। अभी हम चेक करते हैं कि मरकरी जो है वो कौन से हिडन हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है। देखो यहाँ पे 5 और 9 का स्टार लॉर्ड बना है मरकरी। यस। और सब लॉर्ड किसका बना है? 4 और 10 का राइट। तो यहाँ पे नंबर कौन से ऐड हो रहे हैं? 5, 9, 4, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पे लिखता हूं। नाइन और कौन से? 10, 10, 5, 5 भी है सर। 4, 5 भी है राइट, 5 भी है, 9 भी है, 10 भी है राइट। तो ये नंबर जो है वो एक्स्ट्रा हमको मिल गए। तो ये नंबर अभी क्या शो कर रहे हैं बोलो? कहीं ना कहीं 8th हाउस किस चीज का है?
अकल्ट साइंस का, यस राइट, फोर्थ हाउस किस चीज का है, पढ़ाई का, राइट right? तो कहीं ना कहीं अकल्ट की पढ़ाई भी चालू है और फिफ्थ हाउस रहने के वजह से सॉल्यूशंस भी दे रहे हो और गाइडेंस भी दे रहे हो अकल्ट साइंस से रिलेटेड मून की दशा में, यस राइट, यस। अब ये नंबर्स आपको पहले दिख नहीं रहे थे, अब दिख गए जी, कहीं ना कहीं स्टेटस भी बढ़ेगा, आप सॉल्यूशंस भी दोगे, उस सॉल्यूशन से फायदा भी होगा, आप अच्छे से गाइडेंस भी दोगे, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है आपका एज एन एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, और अगर आप पढ़ का रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, थर्ड हाउस आ गए, यस राइट, तो कहीं ना कहीं इस ये जो दशा है ये अकल्ट के लिए बेस्ट दशा है। अभी कब तक है आपकी ये दशा? कब तक है? समय को धीरे धीरे आता है, देखना फटाफट नहीं आता है। देखिए मून जो है आपका, मून की दशा आपको 2025 तक है, 2025 तक राइट, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए सॉल्यूशंस देने का, गाइडेंस करने का, है ना, इससे आपका स्टेटस भी बढ़ेगा और जितना आप ऑनलाइन जाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सर 2031 तक नहीं है क्या सर ये दशा? 2031 चेक करने दो आपकी जो दशा, यस यस सॉरी 2031 तक है आपको, उसमें शॉर्ट में दिखा रहा था, दिख रहा है आपको? यस यस ये खोलियो मैं भी, यस सर 2031 तक है आपको, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए अकल्ट में आने का। ओके, आप जिसको भी सॉल्यूशंस दोगे उसको जो सॉल्यूशंस है उसको फायदा 100% होगा और बहुत अच्छे से गाइड करोगे आप उनको। राइट अब यहाँ पे क्या को शो कर रहा है, 11th हाउस मतलब क्या है, गेन्स है, 10th हाउस क्या है, स्टेटस है, तो स्टेटस और गेन्स इस दशा में मून की दशा में आपको मिलेगी राइट, और माध्यम क्या बन रहा है, आप खुद और 9th हाउस, 9th हाउस किन चीजों का है, 9th हाउस फादर का भी है, गाइडेंस का है, कंसल्टेंसी का है, कंसल्टेंसी का है राइट, तो कंसल्टेंसी के वजह से स्टेटस भी बढ़ेगा और गेन्स भी मिलेंगे। राइट राइट इसमें वीनस, वीनस जो है वीनस का देखते एक बार, इसके आगे प्लस माइनस ये क्या होता है? नहीं मैंने ऐड किया आपके लिए, मतलब ये हिडन हाउसेज है। नहीं नहीं सर, जो कि स्क्रीन देखते हैं उसमें सामने ब्रैकेट में आता है ये वाला, ये स्क्रीन में क्या, हाँ हाँ जो अपने देखते हैं ऐप में उसी में वही, हाँ नहीं इसको 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 इग्नोर करो आप। अच्छा ये राहु है, हाँ इसको इग्नोर करो, अभी एक बार वीनस के नंबर हम लिख लेते हैं ठीक है, वीनस क्या क्या नंबर दे रहा है हिडन हाउसेज में। देखिए वीनस जो है 7, 12 और 4 में बैठा है, 2, 6, 10 जयश्री जी खुश हो गए, जयश्री जी को पता है 2, 6, 10 क्या दे रहा है राइट सर, 8 भी तो आ गया सर, अब 8, 9, 8 भी आ गया, तो 8 की तो जरूरत है ना हमको, 8 नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या फिर, हमारे लिए 8 तो अच्छा है। अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ, 2, 6, 10, 8, 9 देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है सर, आप कैसा लग रहा है,
ये इससे बढ़िया स्क्रिप्ट क्या हो सकती है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए? ये मून की जो दशा है, ये मून की दशा में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओ और स्टेटस भी गेन होगा आपको, तो जल्दी से जल्दी पढ़ाई खत्म करो और कंसल्टेंसी चालू करो। सर मैं तो सीरियसली ली नहीं, मैं तो ऐसी शौक से पढ़ रही हूँ। नहीं अभी आपको लेना पड़ेगा, शौक से नहीं, अभी आपको ये मतलब प्लैनेट्स देने के लिए बैठे, प्लैनेट्स भी दे रहे हैं आपके, आप भी पढ़ा रहे हैं तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना साथ में। यस यस, देखो फोर्थ हाउस भी है तो कहीं ना कहीं वास्तु भी ऐड हो गया। यस, तो वास्तु भी कर सकते हो, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, बढ़िया पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एट्थ हाउस आपको दिख रहा है, पर एट्थ हाउस की तो हम स्टडी कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं एट्थ हाउस को, राइट? तो कहीं ना कहीं अभी नीचे जो है वो ट्वेल्थ हाउस भी है। ट्वेल्थ के लिए आप एक काम कर सकते हो, उसको डोनेशन कर सकते हो, ठीक है? क्या चीज का डोनेशन सर? वीनस, वीनस का डोनेशन कर सकते हो। अच्छा, वीनस का डोनेशन, ओके। वो जो ट्वेल्थ हाउस जो है उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। अभी यूटिलाइज तो हम करेंगे नहीं उसको, क्योंकि वो नक्षत्र लेवल पे एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? उसका अगर डोनेशन करोगे तो और भी अच्छा हो। क्लियर है सबको? बिल्कुल तो क्लियर है। या अभी आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी और लेंगे हम तो आप ये वीडियो में अपलोड करूंगा, आप अच्छे से देखना, फिर से एक बार देखना, लिख लेना, और जितना हो सके ना स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से अब हाथ से स्क्रिप्ट बनाओ। अगर बनाओगे ना तो आपको बाद में याद हो जाएगा अच्छे से, यहाँ तो मिल ही रहा है आपको रेडीमेड, पर एकदम से आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है? तो एटलीस्ट 4-5 कुंडली तो भी हाथ से बनाओ, उसके बाद में आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी अच्छे से पढ़ाई करना, ओके? चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।